Good morning students, today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 11. The name of the chapter 11 is There and It. What's the meaning of there and it? To say what and where something is. ठीक है, अगर हमको किसी चीज़ के बारे में बताना है कि कोई चीज़ कहाँ है और क्या है, we can begin the sentence with there. तो हम उस सेंटेंस को there से स्टार्ट कर सकते हैं. If that something is singular, अगर कोई चीज़ singular है, we use is. तो हम there के साथ क्या use करेंगे? There के साथ is का उपयोग करेंगे. We use are if that something is plural. और अगर कोई चीज़ plural है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो हम there के साथ are का use करेंगे. Okay? For example, यहाँ पर एक पेड़ की picture दी हुई है. ठीक है? तो अब हमको बोलना है कि उस गार्डन में या फिर यहाँ गार्डन में एक पेड़ है, तो इसके लिए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? देयर इज़ अ ट्री इन द गार्डन. ओके, है ना, यहाँ पर अ ट्री मतलब कितने पेड़ हैं? एक ही पेड़ है, तो हमने देयर के साथ किसका यूज़ किया? इज़ का, क्योंकि ये सिंगुलर है. तो इसको देखकर हमको यहाँ पर इज़ लगाना है कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह सिंगुलर है या प्लूरल है. देयर इज़ अ ट्री इन द गार्डन. अब उस पर जो बंदर है वो दो हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, तो देयर के साथ हम आर का यूज़ करेंगे. देयर आर मंकीज इन द ट्री. यहाँ पर पेड़ पर क्या है? बंदर है. नाउ नीचे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें आपको बिगिन ईच सेंटेंस विथ देयर इज एंड देयर आर. ठीक है, सेंटेंस को आपको देयर इज से स्टार्ट करना है या तो देयर आर से. तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको रेड लाइन से अंडरलाइन करके दी है जिसके बारे में बात हो रही है, उन चीज़ों का नाम. तो देखेंगे हम अगर सिंगुलर है तो देयर इज लगाएंगे, और अगर चीज़ें एक से ज़्यादा हैं तो हम देयर आर लगाएंगे. जैसे फर्स्ट है, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट. ठीक है, पॉट में थोड़ा सा क्या है? दूध है. तो सम है मतलब थोड़ा सा, तो क्या होगा? देयर इज. डैश अ पिकॉक ऑन द रूफ. तो यहाँ पर पिकॉक कितने हैं? एक ही है, अ पिकॉक एक मोर. यहाँ पर छत पर एक मोर दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज अ पिकॉक ऑन द रूफ. ऐसे ही टू बुक्स ऑन द टेबल, तो क्या होगा? देयर आर टू बुक्स, क्योंकि एक से ज़्यादा किताब है, तो देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल. फिर है डैश 15 गर्ल्स इन द क्लास, तो क्या होगा? देयर आर 15 गर्ल्स इन द क्लास, क्योंकि जो गर्ल्स है वो एक से ज़्यादा हैं. यहाँ पर क्या है? नो फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर्स है मतलब प्लूरल है, तो क्या होगा? देयर आर नो फ्लावर्स इन द वेस. डैश मैनी पीपल इन द पार्क. अब मैनी पीपल है मतलब कई लोग, एक से ज़्यादा लोग है, कई लोगों की बात हो रही है, तो देयर आर मैनी पीपल इन द पार्क. डैश 11 प्लेयर्स इन आर टीम, तो क्या होगा? देयर आर 11 प्लेयर्स इन आर टीम. तो इस तरह से हमको इधर जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमको देयर आर और देयर इज का यूज़ करना है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 55. पेज नंबर 55 पर है, नाउ से ईच सेंटेंस विद देयर वॉज और देयर वर. देयर वॉज सम मिल्क इन द पॉट. ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस हमने एक्सरसाइज में देखा था, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, तो वॉज की जगह पर, सॉरी, इज की जगह पर किसका यूज़ हुआ है? वॉज. और आर की जगह पर वेयर का यूज़ करना है. तो आप ओरली एक बार सारे सेंटेंस बोल के देखेंगे कि देयर इज की प्लेस पर आप देयर वॉज का यूज़ करेंगे, और देयर आर की प्लेस पर आप देयर वर का यूज़ करेंगे. बाकी तो जो आपको पेज नंबर 54 पर एक्सरसाइज है वो बुक में ही कंप्लीट करना है. नाउ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्का इज़ अ स्मॉल टाउन. ठीक है, यहाँ पर वर्का एक शहर है. लुक एट द गिवन इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब उसके बारे में जानकारी दी हुई है कि इस शहर में क्या क्या है. नो मॉल, वहाँ पर कोई मॉल नहीं है. अ कॉलेज, एक कॉलेज है. अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है. टू सिनेमाज है, मतलब दो सिनेमा घर हैं. फोर टेम्पल्स, चार मंदिर हैं. थ्री स्कूल्स, तीन स्कूल है. सम बिग शॉप्स, कुछ बड़ी बड़ी दुकानें हैं. तो इसको फुल सेंटेंस में बोलने के लिए हम इसके स्टार्टिंग में देयर इज़ और देयर आर का यूज़ करेंगे. नाउ राइट सेंटेंसेस अबाउट वर्का. ओके, बिगिन विथ देयर इज़ एंड देयर आर.
उसको देयर इज़ और देयर आर से हमको स्टार्ट करना है। यहाँ पर टू सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के लिए बना के दिखाए हुए हैं। फर्स्ट है देयर इज़ नो मॉल इन वर्का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमको ऊपर दे रखी है, हमको उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है कि वहाँ पर वर्का में कोई मॉल नहीं है। देयर इज़ अ कॉलेज इन वर्का, वर्का में एक कॉलेज है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, देयर इज़ अ कॉलेज, और कहाँ पर है, इन वर्का। ऐसे ही देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन वर्का, एक हॉस्पिटल है तो देयर इज़ आएगा। अब टू सिनेमास, दो सिनेमा घर है, तो देयर आर टू सिनेमास इन वर्का। देयर आर फोर टेम्पल्स इन वर्का। देयर आर थ्री स्कूल्स इन वर्का। देयर आर सम बिग शॉप्स इन वर्का, मतलब अगर चीज़ें प्लूरल हैं तो हम देयर आर का यूज़ करेंगे, और चीज़ें सिंगुलर हैं तो हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि आप देयर इज़ और देयर आर का यूज़ कैसे करेंगे, और ऐसे ही होता है देयर वॉज और देयर वर का यूज़, ठीक है। देयर इज़ की प्लेस पर वॉज आ जाता है और देयर आर की प्लेस पर देयर वर आ जाता है। तो दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में प्लेस दी हुई है, पेज नंबर 54 और 55, दोनों ही एक्सरसाइज आप बुक में कंप्लीट करेंगे, और यहाँ तक अपना वर्क अच्छे से सभी बच्चे कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।